नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों, सैमसंग ने इंडिया के लिए वन यूएस 6 के अपडेट टाइमलाइन और एलिजिबल डिवाइसेस की ऑफिशियल लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि सैमसंग के कौन से डिवाइस के लिए वन यूएस 6 का अपडेट रिलीज किया जाएगा और कौन से मंथ में रिलीज किया जाएगा। तो बात करते हैं उस लिस्ट की। तो यहाँ पे हम देखेंगे सीरीज वाइज, और जिस किसी डिवाइस के नाम पे मैंने येलो हाइलाइटर का यूज किया है, मतलब कि उस डिवाइस के लिए वन यूएस 6 के अपडेट को रिलीज किया गया है पहले ही। और ब्रैकेट में आपको शो करेगा कि कौन से महीने में इस डिवाइस के लिए अपडेट को रिलीज किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ब्रैकेट में दिसंबर है या फिर जनवरी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जनवरी या दिसंबर में मिलेगा, उसके पहले मिल सकता है। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो है डेडलाइन, मतलब कि उसके पहले कभी भी अपडेट आ सकता है। अगर किसी में जनवरी शो कर रहा है तो दिसंबर में भी अपडेट आ सकता है। अगर किसी में फरवरी शो कर रहा है तो फरवरी से पहले जनवरी या दिसंबर में भी अपडेट आ सकता है। तो इस तरीके से इसका मीनिंग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज की। तो इस सीरीज में सभी डिवाइसेस के लिए अपडेट आ चुका है, जैसे कि 23, 23 प्लस, 23 अल्ट्रा, 22, 22 प्लस, 22 अल्ट्रा, 23 एफई, 21 एफई। हालांकि 21 एफई में एक्सिनोस को अपडेट आना बाकी है, स्नैपड्रैगन वर्जन को अपडेट आ चुका है। फिर इसके बाद 21 5G, 21 प्लस 5G, 21 अल्ट्रा 5G। बात करते थ्रेड सीरीज की, तो इसमें फ्लिप 5, फोल्ड 5 को अपडेट आ चुका है। जो बाकी है उन चार को इसी महीने अपडेट आ जाएगा, जिसमें है फ्लिप 4, फोल्ड 4, फ्लिप 3 और फोल्ड 3। बात करते टैब सीरीज की, तो इसमें है टैब S9, S9 5G, S9 प्लस, S9 प्लस 5G, S9 अल्ट्रा, S9 अल्ट्रा 5G, इसके अलावा S9 FE और S9 FE प्लस। और जो बाकी है वो है टैब S6 लाइट, S6 लाइट LTE, S8, S8 5G, S8 प्लस, S8 प्लस 5G, S8 अल्ट्रा, S8 अल्ट्रा 5G, A9, A9 प्लस 5G, A8 और A7 लाइट। तो यहाँ पे जो शो कर रहे टैब, इन सभी को मिलेगा दिसंबर महीने में ही अपडेट, मतलब किसी महीने में अपडेट मिल जाएगा इन सभी को। इसके अलावा यहाँ पे है टैब A9, जनवरी एंड से पहले इसे मिल जाएगा अपडेट, और बाकी इन तीनों को मिलेगा फरवरी एंड से पहले। बात करते हैं ए सीरीज की, तो इसमें है A14 5G, A34 5G, 54 5G, 73 5G, 52S 5G, इन सभी को अपडेट आ चुका है। जो बाकी है वो है 33 5G, 53 5G, 52, 72, 14, 24, इन सभी को इसी महीने अपडेट आ जाएगा। दिसंबर के एंड से पहले इन सभी को अपडेट आने वाला है। और जनवरी एंड से पहले जिन्हें अपडेट आने वाला है वो है A23, A23 5G, A05, A13, और फरवरी एंड से पहले जिन्हें अपडेट आने वाला है वो है A04E, A04 और A04S। बात करते हैं सीरीज की, तो इसमें तीन डिवाइसेस को पहले ही अपडेट मिल चुका है, जिसमें है 33 5G, 14 5G और 34 5G, और जो बाकी वो है 53 5G, जिससे इसी महीने मिलेगा अपडेट दिसंबर एंड से पहले, और बाकी डिवाइसेस को मिलेगा फरवरी एंड से पहले अपडेट, जिसमें है M13, M13 5G, 23 5G और M14। और बात करते हैं एंड में F सीरीज की, तो F सीरीज में एक डिवाइस को अपडेट आ चुका है, जो है 34 5G, और जो बाकी है 54 5G, 14 5G, इन दोनों को आएगा इसी महीने अपडेट दिसंबर एंड से पहले ही। जनवरी एंड से पहले आएगा अपडेट F04 को, और फरवरी एंड से पहले आएगा इन तीनों डिवाइस को अपडेट, F13, F23 5G और F14। तो जिन किसी डिवाइस के नाम है उन सभी को मिलेगा अपडेट। हालांकि जिन डिवाइस का नाम इसमें इंक्लूड नहीं है उन्हें अपडेट नहीं दिया जाएगा, जैसे कि M52 या फिर S20 FE 5G। तो फरवरी एंड से पहले ही सभी डिवाइसेस को अपडेट मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।